चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स आपको आगे पढ़ने का 5.2 का फिर से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे वो कुछ फार्मूला पढ़े थे। अब आगे के जो भी पढ़ेंगे वो क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी ये 5.2 का थ्योरी ही है, हो सकता है आज थ्योरी खत्म हो जाए, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। एक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में लिखा है DIFF। इसका तीन रूल्स है टोटल, अब तीनों रूल्स को समझना है। एक यू और एक वी फंक्शन है और ये दोनों प्लस और माइनस में हो सकता है, तब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो चीज समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लिया कि कोई भी फंक्शन अगर प्लस या माइनस में दिया रहेगा, जैसे मान लिया कि y का वैल्यू आपको दे दिया है 5x प्लस साइन एक्स, या x प्लस साइन एक्स दे दिया, x प्लस साइन एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन यदि जोड़ में दे या फिर घटाव में दे, तो आपको इस फार्मूले को, रूल्स को याद रखना है कि अलग अलग तोड़ते हैं, मतलब u को अलग तोड़ दिए, du by dx को अलग तोड़ दिए, और v को dv by dx अलग तोड़ दिए, और जो प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। अगर मान लिया कि ये x प्लस साइन एक्स है, तो अगर हमें dy by dx निकालना होगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, d, अब y के जगह तो पूरा ना वैल्यू दिया है, यानी कि x प्लस साइन एक्स बटा में क्या dx। तो अभी हम लोग यही रूल्स को फॉलो करेंगे, यदि कोई फंक्शन प्लस रहे या फिर माइनस रहे उसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं। याद रहे, प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे उसको हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं। तो यहाँ पे dx प्लस साइन एक्स है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, dx बटा dx, dx बटा dx प्लस d साइन एक्स बटा dx, और इसके आगे काम करेंगे। मतलब कि रूल्स ये पहला बोला कि यदि कोई दो फंक्शन अगर प्लस और माइनस में रहता है, तो सबको हम लोग दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं, कब, जब प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे। अगर माइनस में रहता तो यहां पे माइनस हम लोग देते हैं और माइनस में टूटता। अच्छा, इसके आगे का काम करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहे, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो यहाँ x के पावर कुछ नहीं है, तो मान लेंगे एक, और x के पावर में जब रहता है तो पावर को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो एक बाहर आ गया, फिर इंटू x के पावर, जितना पावर रहता है उसमें से एक माइनस कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उसमें dx वगैरह कुछ लिखते नहीं है, प्लस, और इसका तो वैल्यू हम पिछले दिन पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो डायरेक्ट कोस एक्स होता है। तो कुल मिलाकर 1 इंटू एक्स के पावर, 1 में से 1 गया तो 0, प्लस कॉस एक्स, यानी कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos x, ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब dy by dx का मान आ गया। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में रहेगा तो हम लोग उसको अलग अलग दो पार्ट में तोड़ लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता सपोज दैट, तो यहाँ माइनस तोड़ते हैं और यहाँ भी माइनस, जब माइनस तोड़ लिए तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और माइनस लिखते चले जाएंगे, प्लस लिखते चले जाएंगे। अगर मान लिया कि आपके अंदर एक सवाल घूम रहा होगा ऐसे कि सर, अगर मान लिया y बराबर, अगर ये न देके हमने दिया 4x या फिर x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, तब इसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल, हम अभी पढ़े कि अगर कोई भी फंक्शन प्लस माइनस में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उस प्लस माइनस को सब में तोड़ लेना है। जैसे y का वैल्यू अगर ये सवाल में दिया है, तो आप तो पहले लिखने का तरीका dy by dx और d, y के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, ये लिखेंगे बटा में क्या dx। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अब अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेना है। जैसे मान लिया
कि ये अगर तीन ठो रहे हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि दो ही ठो फंक्शन बढ़ेगा, हमको तीन फंक्शन भी दे सकता है प्लस और माइनस में। तो अगर तीन फंक्शन दिया हुआ रहेगा प्लस माइनस में, तो आप तीनों को तोड़ेंगे। जैसे यहां पे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस डी साइन एक्स बटा डी एक्स, और ये माइनस डी टेन एक्स बटा डी एक्स, और सबका वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे प्लस इसका डिफरेंशिएशन करके तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई भी दो फंक्शन या तीन फंक्शन अगर प्लस माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं साइन के साथ। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में तोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में तोड़ेंगे। ये मेरा फार्मूला था, रूल था, ऐसा ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो हम लोग इनटू वाला समझते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर गुणा में रहेंगे तो अब गुणा में तोड़ देंगे अलग अलग तो मामला गलत हो जाएगा। जैसे आप समझ रहे हैं कि सर मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, तो वैसे ही रहता मेरा ये सवाल। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स रहता तब आप ये समझ रहे हैं कि dy बाय dx लिखते कैसे, d अब y के जगह पे तो ये है तो x स्क्वायर इंटू साइन एक्स बट्टा क्या dx। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इंटू है, तब तब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे d x स्क्वायर बट्टा dx, और फिर यहां इंटू है तो इंटू d साइन एक्स इंटू बट्टा dx। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो यहीं से आपका काम हो गया गलत। इसका मतलब प्यारे छात्रों आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है अगर वो प्लस में और माइनस में होता है तभी हम उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, वरना अगर कोई फंक्शन अगर गुणा में रहे या भागा में रहे कभी भी गुणा और भागा में अलग अलग नहीं टूटता है। यानी कि कुल मिलाकर प्लस और माइनस वाला को हम बेहिचक अलग अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर गुना और भागा वाला अगर फंक्शन रहेगा उसमें कुछ फार्मूला है और फार्मूला का यूज हम लोग करना सीखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये बात हुआ कि हम लोग प्लस माइनस को सिंपली तोड़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर वो चीज गुना में रहेगा या फिर भागा में रहेगा, यानी हो सकता है कि एक्स वाई का वैल्यू ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स, ये भागा वाला हो गया फंक्शन, यानी कि गुना वाला और भागा वाला फंक्शन कभी भी नहीं टूटता है अलग अलग। नहीं तो कितने लोग ऐसे कर देंगे कि dy by dx अगर भागा वाला रहेगा तो d x स्क्वायर बटा साइन एक्स जो कि y का वैल्यू है और बटा dx, अब ऊपर वाला का ऊपर तोड़ देंगे मतलब डी एक्स स्क्वायर बटा dx, फिर बट्टा नीचे वाला का नीचे तोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं, यानी कि जब गुना में रहता है और भागा में रहता है तो आपको फार्मूला याद रखना होगा कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है और u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब अगर हम लोग समझेंगे कि u इंटू वी और u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u इंटू वी में आपको बारी बारी से काम करना होता है। एक बार u को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब की बार भी को बाहर निकालेंगे तो यू का सिर्फ यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे अगर आपको सवाल में वाई बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो हम पहले वाले को बोलेंगे कि ये किसका वैल्यू है, ये यू का वैल्यू है और साइन एक्स जो है वो भी का वैल्यू है। यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर वो यू का मान हो गया और साइन एक्स जो है वो भी का हो गया, दो पार्ट में टूट गया। तो अब इसका dy by dx जब कभी भी निकालना होगा तो हम लोग यू को बाहर करते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, फिर इंटू भी का डिफरेंशिएशन, तो भी के फॉर्म में क्या है, यहां साइन एक्स है तो यहां हो जाएगा डी साइन एक्स बटा में क्या dx। उसके बाद क्या करना है, साइन प्लस का देना होता है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इंटू वाला में जब भी तोड़ते हैं इंटू वाला का अगर कोई भी डिफरेंशिएशन रहेगा तो आप उसको प्लस करेंगे, तो यहां दे दिए प्लस। अब की बार भी को बाहर निकालेंगे तो यहां भी क्या है साइन एक्स,
तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स को बाहर निकाल लिए, फिर इनटू अब की बार किसका डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी यू, यू में कौन सा है एक्स स्क्वायर बट्टा में डीएक्स। तो कुल मिलाकर अब आगे जो लिखेंगे वो जब जो चीज बाहर निकला हुआ है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको जस का तस लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स बाई डीएक्स का वैल्यू कितना होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको इतना का तो डिफरेंशिएशन होता है ना, पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, साइन एक्स चूंकि बाहर निकला हुआ है तो बाहर जो निकला हुआ है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसका वही का वही वैल्यू रहता है, तो साइन एक्स को साइन एक्स इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे सीखे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन तब होता है जब एक्स के पावर में है उसको बाहर निकाल लेंगे इंटू एक्स के पावर में एक घटा देते हैं, तो दो माइनस एक, तो टोटल आंसर कितना हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टू एक्स, एक्स में से दो में से एक गया तो पावर एक। तो कुल मिलाकर हम लोग यही चीज को समझेंगे कि अगर u इंटू वी का रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए u को बाहर निकालते हैं v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालते हैं u का डिफरेंशिएशन, अगर वो डिफरेंशिएशन है अगर उसका हम फार्मूला पुट करेंगे तो dx वगैरह जो है वो हट जाता है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन टोटल होता है cos x, इसलिए अब यहाँ पे dx वगैरह लिखेंगे नहीं लिखा जाता है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का तो हम लोग फार्मूला बना दिए कि x पावर है तो बाहर निकालते हैं, तो ये फार्मूला होता है, जब भी फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का लगाएंगे तो फिर dx वगैरह दोबारा से नहीं लिखेंगे, तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, क्लियर करना होगा। चलिए अब उसी तरीके से और हम लोग अगले कुछ समझते हैं, जैसे मान लिया इस बार आया u बाई v, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर प्लस और माइनस में कोई भी डिफरेंशिएशन रहेगा उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इनटू में रहेगा तो उसको हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, अगर इनटू वाला डिफरेंशिएशन इस फार्मूले पे टूटता है। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, इस बार भागा वाला लेकर समझते हैं कि भागा वाला तो हम लोग कैसे समझेंगे, यानी भागा वाला का मतलब अगर कोई फंक्शन दे दिया और वो बट्टा में दिया हुआ है तब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे लेटेस्ट सपोज अगर मान लिया कि ये क्वेश्चन है y बराबर हमें दिया है sin x बट्टा cos x, हालांकि हम इसको डायरेक्टली y बराबर tan x भी लिख सकते हैं, और हम लोग dy by dx निकालने के लिए हम लोग डी वाई के जगह पे टेन एक्स बट्टा डी एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया कि वाई बराबर अगर साइन एक्स बाई कोस एक्स दिया तो साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर टेन एक्स, तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट मेथड। अब इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड। अगर मान लेते हैं कि साइन एक्स बटा कोस एक्स टेन एक्स नहीं हमको याद रहता तो एक ही रास्ता था हमारे पास डिफरेंशिएशन करने का, वो रास्ता था यू बाई भी करने का, यानी चूंकि हमको साफ साफ दिख रहा है कि यू बट्टा भी है, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये बट्टा में है, तो बट्टा वाला का हम लोग कैसे रूल याद रखते हैं, तो अगर u बट्टा v है तो नीचे वाला जो v रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं v का स्क्वायर लिख देते हैं नीचे, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीचे में क्या है, ऊपर वाला साइन एक्स है तो उसको बोलेंगे u, और नीचे वाला कोस एक्स है इसको बोलेंगे v, ऊपर हो गया u के जगह पे साइन एक्स और v के जगह पे कोस एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे dy by dx निकालना चाहते हैं तो इसका भी तो आंसर sec स्क्वायर x ही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है, अगर हमको फॉर्मूला आ रहा है तो पुट करके ये आसान रास्ता है। अगर मान लिया कि यहाँ नहीं रहता, अगर y का वैल्यू ऐसे रहता x स्क्वायर बाई साइन एक्स, तब तो आपको u बाई v ही तो ऊपर तोड़ना पड़ता क्योंकि अब तो कोई फार्मूला नहीं है शॉर्ट आ जाने का।
तो कहने का मतलब हम ये आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि यू बाई वी मेरा सही निकलता है, इस रास्ते भी इससे भी चल सकते हैं, और नहीं तो अगर फार्मूला पे बैठ रहा है तो इससे भी सही है। लेकिन अगर किसी किसी केस में एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स है तो इसे ये जो सवाल है फर्स्ट मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि ये फार्मूला पे नहीं आएगा। इसको आपको यू के जगह पे एक्स स्क्वायर है और वी के जगह पे साइन एक्स है, तो आपको इसको यू और वी को मानकर और बटा वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे u के जगह पे हुआ साइन एक्स, भी के जगह पे हुआ कॉस एक्स। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं तो सबसे नीचे जो बट्टा में लिखते हैं वो भी स्क्वायर लिखते हैं, तो हम भी बट्टा में लिख दिए भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मतलब यहाँ कॉस एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक फार्मूला क्या है कि नीचे जो नीचे रहता है यानी कि जो नीचे में क्या है भी, तो भी को बाहर निकालना है, तो नीचे में क्या है कॉस एक्स, तो हम लोग निकाल ले कॉस एक्स को बाहर, फिर इनटू, फिर क्या बोल रहा है यू का डिफरेंशिएशन करो, तो यू का मतलब ऊपर वाला का, ऊपर कौन है डी साइन एक्स बटा डी एक्स, फिर साइन दे रहा है वो माइनस, तो यहां पे माइनस, फिर यू को बाहर निकालिए यानी कि ऊपर वाला को बाहर निकालना है, तो ऊपर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम लोग बाहर निकाले, फिर इनटू, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला क्या है कॉस एक्स, तो डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। यानी कि आपको अगर कभी भी डिवाइड वाला अगर क्वेश्चन मिलेगा, अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जो हमें डिवाइड में रहेगा, तो हम लोग यू बटा वी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यू बटा वी क्या बताता है कि नीचे वाला जो भी फंक्शन वी है उसका आप सबके बटा में वी स्क्वायर कर लो, वी स्क्वायर, फिर v को बाहर निकालो u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर निकालो माइनस करके dv बटा dx। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात देखें तो अब हम लोग आगे की क्रिया करेंगे, नीचे होगा cos स्क्वायर x, अब cos x बाहर है तो उसको कोई छेड़खानी नहीं करना है, cos x को cos x लिखना है, और प्यारे छात्रों sin x का डिफरेंशिएशन इतना का वैल्यू हमको फार्मूला में बताया है कि इसके जगह पे इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, sin x का cos x, और यहां होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, sin x को लिखेंगे sin x into, अब cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो टोटल मिलाकर ये हमें बात पता चला कि cos x into cos x क्या हुआ cos स्क्वायर x, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अच्छा से तोड़ेंगे तो हम लोग टेंथ के फार्मूला में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्लस में रहता है तो वन होता है, यहां साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका भी वैल्यू कितना वन, तो वन बटा में कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि वन बाई कोस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वन बाई कोस स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो टोटल मिलाकर हमें ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सी मिला, तो हम यहाँ पे एक आपको आइडियाज दे रहे थे कि हम लोग का ये फार्मूला जो है वो सही है, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे तो फिर आप ऐसे निकालो। लेकिन अब किस सवाल में आपको शॉर्ट रास्ता अपनाना है, किस रास्ता में आपको सेकेंड मेथड से चलना है, ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखकर आपको पता चलेगा कि अगर मान लिया कि कोई फार्मूला पे बैठ रहा है तो आपको बैठा के शॉर्ट रास्ता अपनाना है, अगर वो फार्मूला पे बैठने वाला हो ही नहीं सकता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में फिर हम लोग को यू बटा वी वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसी को रिविजन कर देते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग को हार्ड लगता है आप इसको एग्जांपल में आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं समझने के लिए या फिर छोड़ भी सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। तो टोटली ये बात हुआ कि अगर प्लस और माइनस में कोई अगर फंक्शन रहेगा, चाहे कितना भी फंक्शन रहेगा प्लस और माइनस में, उसको अलग अलग तोड़ देना है, परंतु अगर वही फंक्शन मेरे लिए अगर इनटू में आए, मेरे लिए अगर डिवाइड में आए, तो फिर हम लोग को काम करना होगा, राइट। चलिए तो अब हम लोग इसको काम करते हैं, आगे फिर से समझते हैं, क्योंकि दो फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा लास्ट लास्ट तक एग्जाम के लास्ट
तक के आपको ये काम करेगा कि अगर y बराबर u इंटू v रहेगा तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन इसका u इंटू v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, तो u को बाहर निकालो, v का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब डीवी बाई डीएक्स, इसको डायरेक्ट v का डिफ्रेंसिएशन पढ़ सकते हैं, प्लस v को बाहर निकालो u का डिफ्रेंसिएशन। बिल्कुल याद रखना है, अगर मान लिया कि कोई भी फंक्शन बट्टा में रहेगा u बटा v, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए u बटा v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो नीचे वाला v है उसको v स्क्वायर लिखते हैं और v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एकदम याद रखना है कि बट्टा वाला में जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर, और नीचे वाला को ही पहले निकालते हैं, v वाला को पहले निकालेंगे डिवाइड वाला में, तो भी को बाहर निकालेंगे u का डिफरेंशिएशन, माइनस इस बार u को बाहर निकालेंगे और भी का डिफरेंशिएशन, भी का डिफरेंशिएशन। तो टोटली मिलाकर ये आपको बिल्कुल वेरी फार्मूला है। अब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस जो आपको इसी फार्मूला पे होगा और आपको इसको सॉल्व करके ग्रुप में आपको सेंड करना है, और फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों का सही हो रहा है, कितने लोग अच्छे से समझे हैं। अगर मान लिया कि आप अगर बनाकर नहीं भेजेंगे तो फिर हमको आइडिया नहीं मिलेगा कि किन लोगों को समझ में कितना आ रहा है, या फिर और हमें कितने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना है, तो इसका भी एक अच्छा खासा वैल्यू है। तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसको आपको बनाना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, जितना फार्मूला है, और ईमानदारी से आप फार्मूला को बार बार पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने आप पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले काम करेंगे अगर खुद से फार्मूला का सहार लेंगे, तो चूंकि आप एक बार मेहनत लगेगा आप चीजों को याद कर लीजिए, दैट इज बेस्ट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर लिखते हैं। पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाए, डिफ्रेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आपको इसको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, y बराबर x के पावर 3 बटा cos x, दूसरा y बराबर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। चलिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, पहले इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, लेकिन इसको अलग करने का तरीका u इंटू वी, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, इसका एक्स साइन एक्स है, सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब है। तो ऐसे सवाल में कैसे करेंगे, आप चीजों को बिल्कुल प्लस में है तो इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, इसको आप कीजिएगा डी एक्स साइन एक्स बटा, आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू बटा कॉस एक्स, दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यानी कि एक्स साइन एक्स को हम लोग यू इंटू भी पे पहले तोड़ लेंगे और फिर एक्स क्यू को अलग से इसके साथ अलग से, मतलब एक्स क्यू को अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स साइन एक्स को अलग से करेंगे, एक्स साइन एक्स को u इंटू वी पे तोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई एक्स थ्री, यानी कि ये जो क्वेश्चन है u बाई वी पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये आप देख पा रहे होंगे y इज इक्वल टू फोर एक्स क्यू प्लस कॉस एक्स है, एंड नेक्स्ट है फिफ्थ y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो ये प्लस माइनस पे अलग अलग तोड़ लीजिएगा, तो कुल टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो ये 5 क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर से बनाकर भेजिए, हम आपका वेट करेंगे और देखेंगे कितने लोगों का सही बन रहा है, कितने लोगों को इसको सही समझ में आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम और अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका बनाकर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।